Hello students, today's topic is computed tomography. What is computed tomography? First, the introduction. Computed tomography or computed tomography is a medical imaging procedure that use computer process combination of many X-ray measurements take from different angles to produce cross-section image of specific area of a scan object, allowing to use to see inside the object without cutting. Means जो computer tomography जो है यह एक computer tomography में जो है हम electromagnetic waves जो electromagnetic waves use करते हैं to produce a image. These electromagnetic waves या X-ray waves जो होती हैं they are produced by the X-ray tube. ये different X-ray waves जो होती हैं they have more penetration power. जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हिट करती है तो एक इमेज जो एक्सरे जो है इनको एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और एक इमेज की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. दिस इज नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी. और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दिस एग्जिस्ट रॉ डेटा इज कंबाइंड टू फॉर्म ए इमेज. दिस कंप्यूटर टोमोग्राफी इट इज अ ग्रीक वर्ड. Computer, computed means use of computer, and tomography is a Greek word. Tomo means slice, and graphy means to write. Slice means कितनी image form कर रहे हैं. जब X-ray tube जो image क्या कहते हैं X-ray electromagnetic waves hit कर रही है किसी object को तो कैसे image form हो रही है. This computer tomography it is used to generate two-dimensional image. Of a slice or section through a three dimensional object. Slices का मतलब क्या है कि जैसे जो X-ray beam जो electromagnetic wave जैसे ही object पे hit कर रही है तो वो कितनी image form कर रही है. कितनी for example 24 slices means 24 images are formed. या 64 slices means 64 images are formed. Computer tomography it is an examination. It is used as examination that used for X-ray means it is used X-ray electromagnetic waves and computer to obtain a cross-sectional image of human body. Means ये X-ray electromagnetic waves or with the help of computer ये object की एक image form करने का use करते हैं. This is known as computer tomography. The principle of this computer tomography. Image of structure lying above and below the plan are blurred or due to motion unsharpness, while the structure lying in the plane of interest appear sharp in the image. Means the internal structure of an object can be reconstructed from multiple projection of the object. Means जो body का जो internal organs हैं या object हैं उनको हम मल्टीपल प्रोजेक्शन मीन्स हम बहुत एक्सरे बीम को जैसे ही एक्सरे बहुत सारी एक्सरे बीम हिट करेंगी किसी ऑब्जेक्ट को तो एक उस ऑब्जेक्ट की हम एक इमेज फॉर्म करेंगे. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कंप्यूटर टोमोग्राफी इज टू प्रोड्यूस ए इमेज ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट या इंटरनल बॉडी पार्ट. First, this computer tomography, the mathematical principle was given by the Radon. एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट एक्सरे इसके बारे में बताया था कि कैसे वो इमेज फॉर्मेशन करती है. इट ऑल्सो ही सेड दैट द इमेज ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट कुड बी प्रोड्यूस इफ वन हैड सेवरल नंबर ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द ऑब्जेक्ट. मीन्स ये बेसिक दिस आर एक्सरे ट्यूब. दिस एक्सरे ट्यूब इज प्रोड्यूस एक्सरे. दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम. जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम किसी ऑब्जेक्ट या पेशेंट पे हिट करती है तो कुछ जो होती हैं कुछ दे आर सम आर एब्जॉर्ब सम आर स्कैटर्ड एंड सम आर ट्रांसमिट. दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिटेक्टेड बाय योर डिटेक्टर. दिस आर डिटेक्टर. अब ये डिटेक्टर जो है इस इमेज को इस डाटा को कलेक्ट करेगा और कंप्यूटर के पास सेंड करेगा. उस डाटा को ज्वाइन करके एक इमेज फॉर्म हो जाएगी. इज अ प्रिंसिपल अगेन. इट्स अ गैंट्री.
गैंट्री जो आउटर पार्ट है जहाँ पे आपके डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब रहती है, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे पेशेंट टेबल है जहाँ पे पेशेंट लेटेगा, और यहाँ से एक्सरे जो ट्यूब है ये एक्सरे बीम प्रोड्यूस करेगी। एक्सरे बीम जैसी प्रोड्यूस होंगी ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रोड्यूस करेंगी, ये इसके अपोजिट डिटेक्टर लगे रहेंगे। ये जो एक्सरे ट्यूब जो होती है वो इसी गैंट्री में मूव करती रहेगी ऐसे कभी, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपकी बॉडी को या पेशेंट की बॉडी को स्कैन करेगी, और जो स्कैन डाटा जो है यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करते रहेंगे, और दे सेंड द रॉ डाटा टू द कंप्यूटर वेयर द इमेज इज फॉर्म। दिस इज नोन एज गैंट्री, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कंप्यूटर टोमोग्राफी। दिस फोकस मीन्स यहाँ से एक्सरे ट्यूब है जो कि एक्सरे बीम प्रोड्यूस कर रही है। जब यहाँ पे प्री पेशेंट कॉलीमोटर्स और पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स आर अटैच, कॉलीमोटर्स जो होते हैं वो जैसे ही एक्सरे बीम प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सरे बीम प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही वो पेशेंट के पढ़ने से पहले स्कैटर हो जाती है, इधर उधर स्कैटर हो जाती है, जो हमारा एरिया है जिसे जिस ऑब्जेक्ट का जिस पार्ट को हमें स्कैन करके इमेज फॉर्म करनी है उससे पहले वो स्कैटर हो सकती है इधर उधर, तो और इट ऑल्सो ये स्कैटर ना हो, दूसरा इट ऑल्सो मॉनिटर द डोज, कितना हमें एक्सरे बीम, कितने डोज की एक्सरे बीम हमें उस ऑब्जेक्ट पे उस पार्ट पे बमवार्ड करनी है। तो ये कॉलीमोटर्स का काम क्या है, ज्यादा एक्सरे बीम है तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और यहाँ पे पोस्ट पेशेंट के नीचे पोस्ट कॉलीमोटर्स लगे रहते हैं। पोस्ट कॉलीमोटर्स जो होते हैं उनका काम क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्जेक्ट से पास हुई वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सिटी स्कैन, ये कंप्यूटर टोमोग्राफी स्लाइस मैट्रिक्स टर्म्स यूज इन दिस कंप्यूटर टोमोग्राफी, स्लाइस मैट्रिक्स पिक्सल वॉक्सल सिटी नंबर विंडोइंग विंडो विथ विंडो लेवल पिच, इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्लाइस, स्लाइस होता क्या है, द क्रॉस सेक्शन पोर्शन ऑफ बॉडी विच इज स्कैंड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिटी इमेज इज कॉल्ड स्लाइस। मीन्स जिस बॉडी पार्ट की जो जिस पार्ट को हमें स्कैन करना है वहां पे, जैसे आपने स्लाइस में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे पास जो है इट्स 8 स्लाइस इमेज आर फॉर्म, 64 स्लाइस इमेज आर फॉर्म। मीन्स एक राउंड में एक गैंट्री के एक जो एक्सरे ट्यूब मूव करती है बॉडी के स्कैन करती है, तो एक स्कैन में वो कितनी इमेज बना रही है, दिस आर नोन एज स्लाइस। मीन्स अगर 8 स्लाइसेस हैं तो मीन्स वो एक रोटेशन में 8 इमेज फॉर्म कर रही है, 64 है तो 64 इमेज फॉर्म कर रही है। इसका मेन यूज क्या है, बिकॉज एक्सरे जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जब 8 स्लाइसेस हैं मीन्स अगर हमें ब्रेन को, अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें ब्रेन को स्कैन करना है और ब्रेन को स्कैन करने के लिए 1000 स्लाइसेस की जरूरत है, तो मतलब अगर हमारी मशीन 8 स्लाइसेस हैं तो वो उतने टाइम एक रोटेशन में 8 इमेज बनाएगी, तो हमें 1000 इमेज बनाने के लिए कितने रोटेशन उस एक्सरे ट्यूब को मूव करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है बिकॉज एक्सरे जो होती है इट इज हार्मफुल, इट कॉज म्यूटेशन, एंड इट म्यूटेशन मीन्स दी अनएक्सेप्ट मीन्स द सडन चेंज ऑफ द डीएनए मेकअप, और इससे कैंसर होने के भी चांसेस हैं, तो इसलिए हम इज नोन एज सिटी मीन्स स्लाइसेस। द स्लाइसेस हैज विड्थ एंड देयरफॉर वॉल्यूम, द विड्थ इज डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द एक्सरे बीम। जो एक्सरे बीम है जैसे हम इसे लेते हैं पैन बीम एक्सरे बीम आर यूज मीन्स wide beam are used in this X-ray computer tomography means these are the slices। मान लो हमें इसकी स्लाइस का एक ब्रेन है उसकी हमें इमेज फॉर्म करनी है, तो उसकी कितनी स्लाइसेस हैं, कितना जो हमारी मशीन है उसे कितने इमेज फॉर्म करनी पड़ेगी। सेकेंड इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, दिस आर नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स The arrangement of row and column is known as matrix. These all are known as, this complete area is known as matrix. And each matrix, each number means matrix or CT number is all, CT number
matrix is also known as CT number. The CT image is represented as the matrix of the image. The two-dimensional array of number arranged in a row and column is called matrix. Each number represents the value of image at that location. Means जितने भी ये मैट्रिक्स हैं, ये जो बॉक्सल्स या पिक्सल्स हैं, बॉक्सल्स पिक्सल हैं, ये जो जितने भी बॉक्स हैं, दिस आर नोन एज स्क्वायर हैं, दिस आर नोन एज बॉक्सल्स, ये जो होते हैं इनका एक सीटी नंबर होता है. सीटी नंबर एक पर्टिकुलर सीटी नंबर होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर लोकेशन को स्कैन कर रहा है. पिक्सल्स दिस स्क्वायर, ईच स्क्वायर इज नोन एज पिक्सल. जितने भी यहाँ पे ये स्क्वायर हैं, दिस आर नोन एज पिक्सल. And it is also known as picture element भी बोलते हैं इसे. मैट्रिक्स में बहुत सारे पिक्सल हैं और इनकी सबकी अपनी एक वैल्यू है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है जहां से एक और उन पिक्सल्स उन इन्हीं सिटी नंबर्स को जोड़ के हम एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं. बॉक्सल्स मीन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पिक्सल इज नोन एज बॉक्सल. जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसे पिक्सल बोला, इसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बॉक्सल बोला. सीटी नंबर, अब जो आपका जितना द नंबर इन द इमेज मैट्रिक्स इज कॉल्ड सीटी नंबर. मीन्स जो जितने भी हमारे ये बॉक्सल्स हैं उनका अलग एक सीटी नंबर होगा. ईच बॉक्सल या पिक्सल जो होंगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होगा उसका एक नंबर होगा जो कि इमेज फॉर्मेशन में जो हमारी हेल्प हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा. ईच पिक्सल हैव नंबर विच रिप्रेजेंट द एक्सरे attenuation in the corresponding voxel of the object. Hounsfield unit, ये Hounsfield unit क्या बताता है? ये बताता है कितनी density of the tissue. It represents the density of tissue, कितना dense है. It relate to different composition and nature of the tissue. ये composition और nature of tissue को बताता है. CT number is also known as Hounsfield unit भी बोला जाता है. और इसकी एक value है. For example, CT number जो है air का है -1000, फैट का है -100, प्योर वाटर का है 0, ये FS का है 15, व्हाइट मैटर का है 45, ग्रे मैटर का है 40, ब्लड का है 20 एंड बोन्स का है +1000. मीन्स जितनी डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग दिस नंबर वेरी. पिच, पिच क्या है? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड द ट्यूब मोशन. मीन्स जो पेशेंट और ट्यूब में जो मोशन है, जैसे हमारी गैंट्री में एक्सरे ट्यूब है, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पेशेंट को स्कैन करके इमेज फॉर्मेशन का काम कर रही है. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टेबल मूवमेंट ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन, ईच मूवमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब डिवाइडेड बाई द कॉलिमेशन्स विड्थ. डिफरेंट स्टेप ऑफ दिस सीटी नंबर, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी. ये हमारा गैंड्री है जहां पे एक्सरे, यहाँ पे हमारी एक्सरे ट्यूब अटैच है. ये एक्सरे ट्यूब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्कैन कर रही है ऑब्जेक्ट. ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे एक्सरे, यहाँ ये एक्सरे ट्यूब है, ये पूरी एक्सरे बीम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इस पार्ट को स्कैन कर रही है फ्रॉम डिफरेंट एंगल. अभी हमारी एक्सरे ट्यूब यहाँ पे है, फिर मूव करके यहाँ पे आई, यहाँ से इस एंगल से इसे स्कैन किया, फिर हमारे पास एक रॉ डाटा प्रोड्यूस हुआ. दिस रॉ डाटा इज रिकंस्ट्रक्ट एंड फॉर्म in digital image and form a image which are shown on the computer screen. Case of CT scan, scanning different parts, these are known as scanning the patient or data extraction. X-ray generator laga rehta hai, X-ray tube. X-ray generator means jo motor jo help in it, X-ray generator jo hai wo electricity provide karta hai X-ray tube. Jitni jyada hum power produce karenge utni हमारी एक्सरे बीम प्रोड्यूस होंगी. एक्सरे ट्यूब ज्यादा, एक्सरे ट्यूब जो है इनका काम है एक्सरे बीम को प्रोड्यूस करना. एक्सरे फिल्टर सिस्टम, कॉलिमेटर्स आर यूज जो कि स्कैटर्स जो हो रही हैं हमारी एक्सरे बीम उनको एक जगह पे फोकस करने का काम करता है, जिसे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है. एंड डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स का काम क्या है? जो एक्सरे बीम पास हो रही है ऑब्जेक्ट से उनको डिटेक्ट करने का काम है. डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सट्रैक्शन इट्स अ मेथड बाय विच द पेशेंट इज सिस्टमैटिकली स्कैन बाय द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर टू कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन. मीन्स जैसे ही हमारा एक्सरे ट्यूब पेशेंट के, जो पेशेंट है ऑब्जेक्ट है उस पे
उसको स्कैन कर रही है, उस स्कैन डेटा को डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है और उससे उस रॉ डेटा से हम एक इमेज फॉर्मेशन में जो हेल्प हो रही है, दिस आर नोन एज डेटा मींस कलेक्शन ऑफ द डेटा. क्या क्या पार्ट है इसके? एक्सरे जनरेटर, जनरेटर लोकेटेड ऑन द रोटेटिंग स्कैन फ्रेम, दिस आर नोन एज गैंड्री विद इन द सिटी गैंड्री टू अकोमोडेट द स्लिप रिंग, जो कि पावर जनरेट कर रहा है. दिस आर द फ्रीक्वेंसी, पावर, किलो वोल्टेज, मिली एम्पियर. एक्सरे ट्यूब जो होती है, एक्सरे ट्यूब जो है उसका एक कैथोड, एक्सरे ट्यूब जो हो जो एक्सरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रही है उसके एक टर्मिनल कैथोड रे, कैथोड और एनोड टर्मिनल रहता है. जो कैथोड है वहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स लगे, फिलामेंट्स लगी रहती हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जब वहाँ पे मूवमेंट करती है वो हीट होती है एंड दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन आर हिट टू द एनोड एंड वेयर द टंगस्टन आर अटैच्ड. दिस व्हेन दे हिट द टंगस्टन दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक्सरे बीम फिल्टर सिस्टम, दिस आर नोन एज कॉलीमोटर्स. टू टाइप्स ऑफ कॉलीमोटर्स आर यूज, दैट इज प्री पेशेंट एंड पोस्ट पेशेंट. प्री पेशेंट जो कॉलीमोटर्स हैं उनका काम है रिड्यूस द डोज ऑफ एक्सरे बीम. एंड द पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स का काम क्या है? जो एक्सरे बीम स्कैटर हो रही है उनको स्कैटर होने से स्कैटर नहीं होने देना है और डिटेक्टर पे पास करना है. दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉलीमोटर्स. एक्सरे ट्यूब है यहाँ पे, कॉलीमोटर्स, एक्सरे ट्यूब कॉलीमोटर्स आर अटैच. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है वो इसे फिल्टर करके डोज को मॉनिटर कर रही है. यहाँ पे हमारी एक्सरे बीम है, ये तीन चार एक्सरे, थ्री फोर एक्सरे बीम आर प्रोड्यूस. अब ये एक सिंपल पेंसिल बीम प्रोड्यूस हुई जो ऑब्जेक्ट को स्कैन किया, उसके बाद कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ स्कैटर होंगी. जो ट्रांसमिट हो रही वो स्कैटर ना हो, उसको कैच करने का, उसको कलेक्ट करने का काम है पोस्ट डिटेक्टर कॉलीमोटर्स का. और डिटेक्टर यहाँ पे उस रॉ डेटा को डिटेक्ट करेगा और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम एक इमेज फॉर्म करेंगे. डिटेक्टर्स जो होते हैं, डिटेक्टर्स दे गैदर द इंफॉर्मेशन बाय मेजरिंग द एक्सरे ट्रांसमिशन थ्रू द पेशेंट. टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर यूज्ड, कंटीन्यूएशन क्रिस्टल डिटेक्टर्स एंड ज़ीनोन गैस आयनाइजेशन चैम्बर डिटेक्टर्स आर यूज्ड. नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जो हमारे पास रॉ डेटा आया उस रॉ डेटा को हमें एक इमेज में प्रोड्यूस करना है, दिस आर नोन एज रिकंस्ट्रक्शन. अब जो हमने रॉ डेटा को कंस्ट्रक्ट किया उसे हम एक इमेज में बनाया, उस इमेज को हम जो कंप्यूटर है उसके डिस्प्ले पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे. एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल. सिटी पिक्सल साइज इज डिटरमाइंड बाय द डिवीजन ऑफ एफओवी बाय मैट्रिक्स साइज व्हिच इज जनरली 512. पिक्सल साइज मीन्स जो पिक्सल्स हैं या जो स्लाइसिस हैं, उस जो स्लाइसिस से जो डाटा हमारे पास, जो हमारे पास इमेज फॉर्म थी, उन सभी इमेज को जो मैट्रिक्स पे जो नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर है उनको हमने रॉ डाटा को कंबाइन करके हमने एक इमेज बनाई, उस इमेज को हमारे जो कंप्यूटर है उसके ऊपर डिस्प्ले हुआ. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस. इसी के साथ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कंप्यूटर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है फिनिश हुआ. थैंक यू.